नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। शाम की बड़ी खबरें देने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही आगे भी आपको एविएशन अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है, 25 तारीख को डोमेस्टिक फ्लाइटें शुरू हो रही है। हम सभी जानते हैं सभी जगह से बुकिंग ओपन हो चुकी है और लगभग सभी एयरलाइंस ने जो बुकिंग है वो ओपन कर दी है। ठीक है, दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर स्पाइस जेट से निकल कर आ रही है, जहां पर कि स्पाइस जेट 25 तारीख से 125 फ्लाइटें ऑपरेट करने जा रही है। यहां पर अजय सिंह ने बताया है कि जो फ्लाइटों का कॉस्ट है वो मेंटेन करने पर काम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने भी, आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने भी जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट रहेगा उसको मेंटेन कर दिया है। अगले 3 महीने तक के लिए जो फ्लाइट के कॉस्ट है वो फिक्स कर दिए गए हैं। अगली खबर है दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को लेकर, जहां पर कि उन्होंने ट्वीट करके हरदीप सिंह पुरी को टारगेट किया है और कहा है कि फ्लाइटें आप शुरू कर रहे हो तो अब वो जान है और जहान है वाली बात कहां गई। तो ऐसी बातें हो रही हैं इस वक्त ट्विटर पे। आगे की खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है एयरलाइंस की बुकिंग को लेकर। आपको बता दें कि एयरलाइंस की बुकिंग अब आप एयरलाइंस की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, साथ ही जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उन लोगों ने भी बुकिंग चालू कर दी है, और भारतीय रेलवे की भी बुकिंग अब चालू हो चुकी है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पर, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह वगैरह, तो आप जाकर वहां पे बुकिंग कर सकते हो। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैदराबाद से, जहां पर कि राजीव गांधी हवाई अड्डा सोमवार से जितनी भी फ्लाइटें हैं वो ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयार है और फ्लाइटों का ऑपरेशन 25 तारीख से वहां से किए जाएंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों पाकिस्तान से। बता दें कि पाकिस्तान की एयरलाइन PIA का विमान क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि उस विमान के अंदर करीब 98 पैसेंजर्स सवार थे। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही रिपोर्ट्स आती है हम आपको इसके बारे में अपडेट करेंगे। अगली और सबसे अंत में खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 25 तारीख से इंदौर का एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो जाएगा, तो यहां से अगर आपकी फ्लाइट होने वाली है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो फिलहाल के आज की शाम की खबरों में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप बेशक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको आगे उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त विनायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।